काफी नीचे से आ रहे हैं हम लोग। सो गाइज, हियर इज द सरप्राइज ऑफ आवर व्लॉग। मेरा पसीना चमक रहा है माथे पे, चमक भाई, पसीना बहाने वाला काम। तो बताओ हमने क्या करा है स्टार्टिंग से फॉर अ रेस्ट। और ये देख लीजिए गाइज, ये आपको नीचे बस स्टैंड पे बनाना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है ये, एंड ये सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसके बिना आपको एंट्री का एग्जिट नहीं मिलेगी, एंट्री तो मिल जाएगी। बताओ हम, जस्ट एक्सप्लेन द जर्नी। रेलवे स्टेशन रेलवे, और वो नीचे से आ रहे हैं, ये ऊपर ऑब्वियसली ऊपर जाना है। Let's go. हाँ, सो गाइस ये रही मैं, ये जरा बंदा, और हम स्टीरिया स्टेयर्स और सीढ़िया मिक्स हो गई मेरी अब, बिकॉज आई थिंक कुछ तो सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं, दिमाग फोन हो चुका है ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी के कारण, मेरे शब्द लड़खड़ा रहे हैं। और हम चढ़ रहे हैं फिलहाल, तो आपको पूरी जर्नी बताएंगे। गाल कैसे लाल हो रहा है, वो मेरे लाल नहीं हो रहे गाल, मैं टमाटर नहीं बना गया। आई वंडर, पूछते हैं किसी से। स्टेयर्स तभी लें अगर आपको लगता है कि आप चल सकते हैं इतना। हमें भी लगा मत लेना, हमने क्यों लिया और मुझे क्यों चलाया जा रहा है। रैंप सही है, रैंप सही है, अब रैंप सही लग रहा है। अब हालत खराब हो गई हम लोग की। स्टेयर्स यार लेना ठीक है, बट सीढ़ी उतरना आसान है। ये 526 सीढ़ी है ना, 2 किलोमीटर का सीधा फर्क पड़ेगा। अरे हाँ, ये दिल वाली साइड पे घोड़े भी नहीं है। एग्जैक्टली, हम हूँ की अब की हालत खराब। सो गाइस अभी रेस्ट टाइम चल रहा है, हर 5 मिनट बाद मैं रेस्ट टाइम दे देती हूँ। और हम लोग आए हैं पुराने रास्ते से, एंड आराम आराम से रुक रुक के जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, आराम आराम से जा सकते हैं। पीछे ही कटे टंगे हुए। गाइस काफी ऊपर आ गए, पता नहीं क्या मैं की सोच रहा है, कौन सा पाइनएप्पल लगा, मैंने अकेले लगाया तो चेक कौन सा बहुत ज्यादा अकेले लगाया। बैठ जा राजा, चलो जाओ। ओए पैसे निकालने में साल निकाल दे। सो गाइस अभी हम रुके हैं एक जगह खाना खाने के लिए, बिकॉज भूख लग गई है। खानी है आपने? मैं तो बस बंगाल में से बोल दिया बस। हम ऑर्डर करने जा रहे हैं, क्योंकि हाथ थोड़े से कांपने लग रहे हैं, इसमें नहीं दिख रहे पर मेरे हाथ कांप रहे हैं। से तो नहीं कांप रहे पर काफ़ी ज़्यादा चली है, और हमें स्टेयर्स भी हट गया, और जैसे ही रुक रहे तो पैर चप चप कर रहे हैं इसलिए। अब ऐसे भी खाते पीते चलना चाहिए, ऐसे कोई ऊपर हमने बिल्कुल जल्दी पहुँच के भी कुछ करना भी नहीं। दो घंटे 29 मिनट्स हो गए हमें चलते हुए, और मेरी हार्ट रेट फिलहाल यही है। डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है 6.25 प्रीवियस किलोमीटर्स, एवरेज पेस हमारी ये है, करंट पेस 0 है,
स्टेप्स 9611 है। अच्छा कितने पहले आराम करे सफर हो गया। गाइस अभी हम अच्छे लग रहे थे, हम जो ब्लॉग बना रहे थे सन केस डो रखा है बिल्कुल बहुत सारे नियन सोसस की यहां पे। दो घंटे में पहुंच गई। 4-5-6 घंटे होते जा रहे हैं, घंटे तो होते जा रहे हैं गाइस। ऐसे सेम हमें बाइक पे लगा था, अरे 4 घंटे पहुंचे, अरे 8 घंटे बट हम आई डोंट थिंक सो इतना लंबा सफर लगा। हां रुक रुक के हर 100 किलोमीटर के बाद बाइक से उतर जाओ क्योंकि बम जवाब दे जाते हैं, बम नहीं जवाब साथ दे पाते। खैर हम दोनों के बम में मास भी कम है, दम बम हो जाता है हमारे हम दम बम बम हो जाते हैं, बट ठीक था। बाइक इज जल्दी चलती है देन स्कूटी, स्पीड ज्यादा चलती है तो ऑब्वियसली कवर कर लेती है, और कार तो और भी अच्छी होती है बट कार से वो मजे नहीं आते। तो गाइस अभी हम फिर से सीढ़ियाँ चल रहे हैं जो कि हम उन्होंने बोला था कि मैं गलती करी है, फिर भी हम बार बार गलती दोहरा रहे हैं। हम वो अगर चढ़ाई सीधी थी ना, ये सीढ़ियाँ भी सीधी है। सो गाइस अर्थ कुमारी के बाद आपको सीधी चढ़ाई मिलेगी बिल्कुल, तो हमें लगा स्टेयर्स शायद से बेटर होंगी बट स्टेयर्स भी सीधी हैं। मजाक हो गया हमारे साथ, लेट्स गो। हमें एक भाई साहब ने बोला था मत आओ, हमने उन भाई साहब की बात इग्नोर करी, रुक रहे हैं भाई, अब हमें दुख लग रहा है। मन नाई बुढ़ा दिया आदमी क्या सीता ना कोयला लगा देना। I cannot justify the view right now. ये जो रिवर आप लोगों को दिख रही है ये एंडलेस है, ये जाए जा रही है, वो गॉड ब्लर होगा। अब इतनी दूर हो गई है, दिख ही नहीं रही है। ये देखो देखो मैं लेके जा रही हूँ, फोकस बाहर जा रही है यार रिवर। ओ गॉड क्या हो गया इसको, पागल हो रहा है फोन नहीं फोकस कर पा रहा। हाँ देखो देखो ये एंडलेस है गाइस, ये एंडलेस है, पूरा व्यू एंडलेस है। ये अर्धकुंवारी है मेरा, हम इससे बहुत ऊपर आ गए। एक नदी जा रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है, बहुत दूर जा रही है लेकिन। सो गाइस अभी हम यहाँ कहीं बैठे हैं और यहाँ से हमको पता नहीं कहाँ ट्रेन आ रही है और लाइट जा रही है सामने, और ये छोटी बच्ची है जो ये ट्रेन के अभी भी तो एक्साइटेड होती है। ट्रेन तो बहुत चंगी लग रही है, हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं फिलहाल। ट्रेन दे इंजन दे नाल वाले डिब्बे बैठ के देखो मजा आया था। ओके कहाँ है, मेरे को तो अभी तक नहीं दिख रही यार, वो देखता रही है लेकिन हूँ मैंने लग रहा है वो कार्स ने क्योंकि बहुत सारी लाइट आ गई है। चलो चलो लेट्स गो गाइस, टाइम खराब, पैसा बर्बाद। जैकेट पहन लिया है गाइस, विंटर सीजन स्टार्ट हो गया, पहले अब ठंड होगी। आपको बाहर का व्यू दिखा दो, दर्शन करें पहले साथ खुश रहे। ओह गॉड गाइस हम अर्धकुंवारी से ऊपर आए हैं 9 किलोमीटर एंड ये रहा
भैरव की घाटी का रास्ता है, वे टू भवन है 3 किलोमीटर मोर, और 2.5 किलोमीटर उधर है, और 2.5 किलोमीटर उधर। ओह फॉर्सी, वो ऊपर जाना, वो ऊपर चले जाएंगे, चले जाएंगे। 3 किलोमीटर जो माता ने इतनी, कितना टाइम हो गया, हाथ बुला लिया, टाइम हो रहा है। ओहो क्या हो रहा है, टाइम 8 बज गए, 4 घंटे हो गए, सम 4 घंटे, बस डेढ़ घंटा और एक डेढ़ घंटा, एक डेढ़ घंटा। लेट्स गो गाइस, लेट्स पुश योर लिमिट्स। हम तो थोड़ा दीवे लग रहे हैं, हम तो नीचे दिखा रहे हैं, अब पास ही लग रहा है, थल्ले भी हैं। और मेरी व्हील चल रही है, मैं देखना चाहूँगा, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम तो थल्ले जा रहे हैं, हम नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं यार, ये चढ़ना भी पड़ेगा यार। नहीं हम तो ऊपर क्या है, फिर हम सही जगह जा रहे हैं ना। पुलिस चेक पोस्ट भी आ गया है, हम जब चढ़ रहे थे मेरा एकदम से मॉरल तोड़ दिया था कुछ लेडीज ने, क्योंकि हम बात करते चल रहे थे, बहुत इजी लग रहा है क्योंकि हमें ऊपर नहीं, हम बिल्कुल फ्लैट चल रहे हैं, नीचे जा रहा है, फ्लैट चल रहे हैं हम, क्योंकि वो ऊपर है ना, चढ़ना है अभी यार, यार ये चढ़ना भी पड़ेगा अभी। तो गाइस मैं बता सकती हूँ आपको, मार क्यों रहे हैं भाई, जा तो उसमें खींचना ही है, मैं स्टोरी बता रही हूँ, तुम कुछ और बता रहे हो यार, बोलो सांचे दरबार की जय, बोलो। सो जब हम चढ़ रहे थे तो वहाँ पे कुछ लेडीज चल रही थी, तो मैंने ऐसे हमको बोलना था, हम कितना रात को दर्शन करके हम उतर जाएंगे फटाक से, तो कहती है रात को कौन से दर्शन, रात को दर्शन होते ही नहीं। मेरा जो मुंह उतरा ना उस सीढ़ियों पे, कहते अभी बंद हो जाएगा 7:30 बजे, सुबह खुलेगा 5:30 बजे। मैं कहा शिट, और मैं उसके बाद हमारी दोनों की स्पीड बहुत स्लो हुई थी, मतलब मर गए थे हम, मतलब मर ही गए थे। ये 3 किलोमीटर तो मुझे लग रहा है हम आधे घंटे में, आधे घंटे में निपटा देंगे जाते हैं। फिर वहाँ पे मतलब एक भैया बैठे हुए थे, मृत कृष्णा था वो, मेरे को लग रहा है जो भी थे वो, उसने मेरे को जो बूस्ट दिया है ना बंदे ने, हम मैं फ्लैश ऑन करती हूँ, रुको भाई, हम माता दिखेगी तो कुछ नहीं दिखेगा। सो मैं बताती हूँ, फिर हमें एक बंदा दिखा ऐसे बैठा हुआ था बंदर की तरह, बहुत नाइस था यार वो, जय। फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भैया रात को दरबार बंद रहता है, कहते नहीं दरबार तो हर टाइम खुला रहता है, बस सुबह आधे घंटे के लिए, शाम को आधे घंटे के लिए, आरती के टाइम बंद होता है। उसके बाद जो स्पीड आई हमारे को, चढ़ गए, दौड़ गए फिर तो हम, और 8 बज रहे हैं, 4 बजे स्टार्ट किया था, 4 घंटे हो गए गाइस पहुंचने वाले आधे घंटे में। भैरव मेरे ख्याल से भैरवनाथ जी के हम कर लेंगे 10 बजे तक दर्शन, हम मेरे को तो रात में निपटा देंगे, हम तो नहीं रात में बंद, भैरवनाथ का भी कन्फर्म करते हैं आपको, खुले होते हैं बंद होते हैं वो चेक करना पड़ेगा, बट आई एम वेरी एक्साइटेड नाउ, क्योंकि प्रसाद भी खा लिया। हाँ मैंने अभी पुलिस वाले अंकल से पूछा, उन्होंने भूल दिया, बता दिया था, बढ़ा दे पूछ लेंगे, चलो कोई नहीं। सो लेट्स गो गाइस, लेट्स गो गाइस, पहुंच गए, लग रहा है पहुंच गए, चोर जो के सुन, भवन आ गया, भवन आ गया, वे टू भवन, भवन आ गया गाइस, भवन आ गया, भवन आ गया, भवन आ गया, भवन आ गया, हॉर्स ही भाग गया। चामुंडा है बच्चे, ये क्या हो रहा है, अच्छा इनका काम।